हरियाणा के करनाल जिले के महात्मा गांधी चौक की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आज देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, उसी के चलते काफ़ी लोग यहां पर पहुंचे हैं, उपवास रखा गया है और कृषि कानूनों को रद्द करवाने की यहां पर बात की जा रही है। कुछ एक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात करना चाहेंगे। आप बताएँ क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का जो ये है अपना महात्मा गांधी का जो अपने पुण्य शहादत दिवस है आज का, उसमें और जो किसानों के ऊपर सरकार लाठीचार्ज आंसू गैस के गोले वगैरह, आज ये हमारा उपवास है और किसानों के समर्थन में आज टोटल संगठन यहाँ पे बैठे हैं, जैसे कि सीआईटीयू का है, महिला जनवादी का है, रिटायर्ड कर्मचारी संघ है, सुर कर्मचारी संघ है और सभी हमारे साथी हैं। जो 26 जनवरी को जो प्रोग्राम सरकार ने किया षड्यंत्र के तहत, उसकी हम गौर निंदा करते हैं, क्योंकि सरकार से हमें यही उम्मीद थी और सरकार ने अपनी उम्मीद पे वो खरी उतरी। लेकिन हम सरकार को इस मंच के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि सरकार कामयाब नहीं हो पाएगी। जनता जाग चुकी है, जो हमारी भारत की जनता है 138 करोड़, वो सब जान चुके हैं ये बीजेपी सरकार के षड्यंत्र हैं सारे, और उन सभी से ऊपर उठ के हमारा जो प्रोग्राम हुआ है वो और बुलंद हुआ है उसके बाद। और जो हमारे बॉर्डर पे जो जत्थे थे वो एक 26 जनवरी के लिए जो ट्रैक्टर गए हुए थे, तो कहीं ना कहीं सरकार ने वो वापस आए थे। सरकार ने सोचा कि भाई ये जत्थे उठ के चल पड़े हैं, हालांकि वो स्पेशल 26 जनवरी की परेड के लिए जो ट्रैक्टर गए हुए थे उनको करके सरकार ने कुछ गुस्ताखी करने की कोशिश की, तो उस पर हमारी जनता ने, किसानों ने, कर्मचारियों ने, मजदूरों ने, सभी ने मुंह तोड़ के जवाब भी दिया है और सरकार को नीचा भी देखना पड़ा है। और वहाँ से जब वो टिकैत को गिरफ्तार करने के लिए आए थे राकेश जी को, तो उनको वहाँ पे बैरिंग लौटना पड़ा खाली आते, और उन्होंने खुला अनाउंस भी कर दिया था कि अगर यहाँ पे 15 मिनट और ये सांसद रुकेगा तो हम उसको बंधक भी बना लेंगे। तो हम सरकार की स्टेज के माध्यम से बहुत गौर निंदा करते हैं। सरकार काले कानून वापिस ले ले, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दे, जहाँ किसान बैठा किसान चुपचाप अपने घर चला जाएगा। जो तो ये, जो 44 दो श्रम कानून में छेड़छाड़ की है सरकार ने, जो उनको छेड़ के 4 श्रम कानून बना दिए हैं, उनको भी सरकार तुरंत प्रभाव से वापस ले। 14 तारीख का हमारा उसमें प्रोग्राम भी है और हम उसको बहुत बड़े एक पूरे लेवल पे इस प्रोग्राम को करेंगे। तो आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। कृषि काले कानूनों को यहाँ पर जो है वापस करने की बात की जा रही है। कुछ एक लोग और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। आप बताओ क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर आपकी मौजूदगी देखी जा रही है। आज के दिन हमारे पूजनीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को आरएसएस के लोगों द्वारा, खास तौर पर नथुराम गोडसे द्वारा उनकी जो हत्या की गई थी, उनके विरोध में हम 2 घंटे के उपवास पे हैं। और ये मौजूदा सरकार जो फांसीवादी ताकतों में शामिल है, इनके कोई भी पैतरे हम नहीं चलने देंगे। ये जंग लंबी हो सकती है लेकिन हम गारंटी देते हैं जीतेंगे हम, और इनको खदेड़ के हटेंगे फांसीवादी ताकतों को, जो इस देश को दोबारा से गृह युद्ध में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं और इस देश के टुकड़े तक भी करवाने के इनके खतरनाक मंसूबों को हम नहीं पूरा होने देंगे। थैंक यू। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है एक क्रोध भी देखा जा रहा है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है हरियाणा के करनाल जिले के महात्मा गांधी चौक की, जहाँ पर काफ़ी लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं और वहीं दूसरी ओर काले कानूनों को वापस करने की बात भी की जा रही है। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप इस तरीके से बने रहिएगा करनाल जिले।